शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के समस्त जन भागीदारी स्व वित्तीय सहायक प्राध्यापक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को सौंपा ज्ञापन। इनकी मांगे हैं कि शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत जन भागीदारी स्व वित्तीय सहायक प्राध्यापकों के विरुद्ध नए विज्ञापन रोके जाने एवं अतिथि विद्वानों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। साथ ही प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में कार्यरत जन भागीदारी शिक्षक जो बैंक लोड के आधार पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए पद सृजन कर निश्चित वेतनमान 3 वर्ष संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगे हैं जिनको लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। मांगे पूरी हो, चाहे जो मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मांगे पूरी हो। अधिकार दो, अधिकार दो, हमारा अधिकार दो, 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 हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मांगे पूरी हो, अधिकार दो, अधिकार दो, हमारा अधिकार दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब, इंकलाब के लिए व्यवस्था चल रही है, वही व्यवस्था भागीदारी और स्वीकृति के लिए भी मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग लागू करे। इनको कम से कम 3 साल तक के लिए और एक फिक्स वेतन मान पर, और जो व्यवस्था मध्य शासन के स्तर पर चल रही है उसी व्यवस्था की मांग के लिए भागीदारी स्वीकृति हमारी मांग है। पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की है। जी, हम जन भागीदारी में, हमारे कई शिक्षक स्वीकृति में है और हमें एक समान वेतन जिस तरह से अतिथि विद्वान के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, हम भी चाहते हैं कि हमारी वैसी व्यवस्था बनाई जाए, हमें भी वो उस व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए। उनके लिए जैसे कि 3 वर्ष के लिए नियमित करने का प्रावधान चल रहा है और हमें भी 3 वर्ष के लिए नियमित करने का प्रावधान चले। हम इस मुहिम के लिए हम आगे आए हैं और हम जब तक ये मुहिम हमारा सफल नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रयासरत रहेंगे और मुहिम को सफल बना के छोड़ेंगे।